अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अली फ्रॉम चैनल फ्रेंड्स फिजिक्स। आज हम किरचॉफ लॉज पढ़ेंगे। किरचॉफ लॉ स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन सर्किट्स का, कि आप सर्किट्स को लेट से दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लें, सिंपल सर्किट्स, कॉम्प्लेक्स सर्किट्स। ऐसे सर्किट्स जिसमें एक सिंगल बैटरी, एक सिंगल लूप या सिंपल ब्रांचेज एग्जिस्ट करती हूँ, जैसे ये सर्किट गिवन है एक स्विच एस के साथ। ऐसे सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए या इसमें करंट और वोल्टेज की वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम सिंपली यूज कर सकते हैं ओम्स लॉ, वी इक्वल्स टू आई आर, विच सिंपली गिव अस अ रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट अक्रॉस एनी रेजिस्टिव एलिमेंट। अगर सर्किट कॉम्प्लेक्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल सेल्स हैं, जैसे यहाँ पर दो बैटरीज लगी हुई हैं, मोर देन वन लूप्स हैं, ये लूप वन है, ये लूप टू है, कॉम्प्लेक्स ब्रांचेज हैं, मतलब करंट्स जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं, तो वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं किरचॉफ लॉज। किरचॉफ दो लॉज हैं, किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसकी डिटेल्स में जाते हैं हम। तो नंबर वन पे टॉपिक 13.9 है किरचॉफ लॉज। किरचॉफ करंट रूल स्टार्ट करते हैं, सिंपल डेफिनेशंस पे रहना है। मैं भी कोशिश करूंगा कि एम्पिरिकली आपको ये लेक्चर एक्सप्लेन करूं, ताकि आपको आपके एफएससी रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व करने में आसानी हो। मतलब ये बहुत कॉम्प्लेक्स भी किए जा सकते हैं, बट आपने भी इस थिंकिंग पे रहना है कि आप मिनिमम अप्रोच के साथ टॉपिक को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो किरचॉफ करंट रूल ये कहता है कि सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट मस्ट बी जीरो। किसी एक पॉइंट पर जितने भी करंट्स आपस में आकर मिलेंगे उनका सम जीरो होना चाहिए। अब ये सम जीरो होना चाहिए, इससे आगे कुछ फर्दर चीजें ये निकलती हैं कि इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि किसी भी पॉइंट में एंटरिंग चार्ज बराबर होना चाहिए लिविंग चार्ज के। अब करंट्स का सम जीरो एक सूरत में हो सकता है, अगर हम एक कन्वेंशन अडॉप्ट करें। वो कन्वेंशन ये है कि एंटरिंग करंट शुड बी टेकन एज पॉजिटिव एंड लिविंग करंट शुड बी टेकन एज नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल ये एक पॉइंट है किसी ब्रांच का, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है आई वन, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है आई टू, यहाँ करंट फ्लो करके जा रहा है आई थ्री और यहाँ करंट फ्लो करके जा रहा है आई फोर। अब अगर आप देखें तो ये दो करंट्स इस पॉइंट में एंटर हो रहे हैं और ये दो करंट्स इस पॉइंट को लीव कर रहे हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये है कि जितना करंट इस पॉइंट में एंटर हो रहा है उतना ही इस पॉइंट से लीव करना चाहिए। सो वी विल राइट एन इक्वेशन। चूंकि ये दोनों करंट्स एंटर हो रहे हैं इस पॉइंट में, तो हम लिखेंगे जी आई वन प्लस आई टू। ये दोनों करंट्स लीव कर रहे हैं, लिविंग करंट के साथ साइन क्या रखना है, नेगेटिव। तो नेगेटिव आई थ्री, नेगेटिव आई फोर, दिस ऑल शुड बी इक्वल टू जीरो। इक्वेशन को और सिंप्लीफाई कर दें तो इट बिकम्स आई वन प्लस आई टू मस्ट बी इक्वल टू आई थ्री प्लस आई फोर। अब इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि लेट्स से आपके पास एक ब्रांच है ए बी सी डी एंड ओ। लेट्स से ओ में एंटर हो रहा है करंट टू एम्पेयर, बी से ओ में करंट एंटर हो रहा है फाइव एम्पेयर, ओ से सी को लीव कर रहा है एक करंट वन एम्पेयर। अब आपसे ये पूछा जाए कि ओ और डी पार्ट में कितना करंट है और उसकी डायरेक्शन क्या है, तो आपने यही रूल जेन में रखना है कि सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। देखें पहले ये देखेंगे इस पॉइंट में एंटरिंग करंट कितना है, फाइव प्लस टू सेवन एम्पेयर। एंटर कितना करंट हो रहा है, सेवन एम्पेयर। लीव अभी तक कितना कर रहा है, वन एम्पेयर। इसका मतलब है रिमेनिंग लीविंग करंट कितना होना चाहिए, सिक्स एम्पेयर, सो दैट द एंटरिंग करंट शुड बी इक्वल टू लीविंग करंट। सो करंट की डायरेक्शन लीविंग होगी और करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो सिक्स एम्पेयर होगा। तो दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स। फिर इसी तरह ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, लेट्स से यहाँ पे करंट एंटर हो रहा है आई वन, यहाँ आई टू, यहाँ आई थ्री और यहाँ पे लीव कर रहा है आई फोर, आई फाइव, आई सिक्स, आई सेवन। सो नो नीड टू वरी, सिंपल एंटरिंग करंट आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री
इट मस्ट बी इक्वल टू i4 प्लस i5 प्लस i6 प्लस i7। तो ये जरूरी नहीं है कि जितना टू ब्रांचेस में से एड एंटर हो रहा है तो टू में से लीव करेगा। देखें, थ्री ब्रांचेस में से एंटर हो रहा है और फोर ब्रांचेस में से लीव कर रहा है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि सम ऑफ एंटरिंग एंड लीविंग मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो, या एंटरिंग करंट शुड बी इक्वल टू लीविंग करंट। ये हो गया किरचॉफ करंट रूल, या किरचॉफ पॉइंट लॉ भी इसे कहते हैं, और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो स्टूडेंट्स, अभी हम देखते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ से रिलेटेड जो एमसीक्यू प्रॉब्लम्स या ट्रिक्स आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक एमसीक्यू जो एमडीकैट में आ भी चुका है कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सिमिलरली जो सेकेंड लॉ है उससे रिलेटेड आ जाएगा, किरचॉफ सेकेंड लॉ इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फिर किरचॉफ फर्स्ट लॉ से रिलेटेड अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता है तो उसको सॉल्व करने के दो हिंट्स हैं। नंबर वन, कि सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, सच दैट ऑल द एंटरिंग करंट्स विल बी टेकन एज पॉजिटिव, ऑल द लिविंग करंट्स विल बी टेकन एज नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक पहला प्रॉब्लम है कि एक पॉइंट है ओ, ए से ओ की तरफ 7 एम्पेयर करंट एंटर हो रहा है, ओ से बी की तरफ 3 एम्पेयर लीव कर रहा है, फिर ओ से सी की तरफ 2 एम्पेयर लीव कर रहा है। आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन द ब्रांच ओ डी एंड व्हाट इज द डायरेक्शन। अब हमारे पास रूल है कि ऑल द एंटरिंग मस्ट बी इक्वल टू ऑल द लीविंग। अब इसमें से एंटर कितना हो रहा है, फिलहाल 7 एम्पेयर एंटर हो रहा है एंटरिंग करंट, लीव कितना कर रहा है 3+2 5 एम्पेयर। अब एंटरिंग और लीविंग बराबर होना चाहिए, तो एंटरिंग अगर 7 एम्पेयर है तो लीविंग भी टोटल कितना होना चाहिए, 7 एम्पेयर। तो इसका मतलब है कि अभी तक तो लीविंग 5 एम्पेयर है, तो हमें 2 एम्पेयर और लीव करवाना है। तो ओ डी ब्रांच में करंट लीविंग होगा पहली बात, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 2 एम्पेयर होगा। सो दैट्स हाउ यू कैन टैकल दिस प्रॉब्लम। फिर आपके पास एक नेटवर्क ब्रांच है कि 2 एम्पेयर एंटर हो रहा है, आगे 1 एम्पेयर 1.3 एम्पेयर लीव कर रहा है, तो यहाँ पर आई करंट कितना है। अब करंट्स को नाम दे लें, लेट इट कॉल i1 i2 i3 i4 i5 एंड i6। अब सबसे पहले इसको यहाँ तक सॉल्व करें, इतना हिस्सा i1 प्लस i2 इज इक्वल टू i3। तो i1 प्लस i2 टोटल कितना हो जाएगा, 4 एम्पेयर। इसका मतलब है कि i3 की वैल्यू कितनी हो गई है, 4 एम्पेयर हो गई। अब ये 4 एम्पेयर आगे तीन हिस्सों में डिवाइड हो रही, यानी i3 इज नाउ इक्वल टू i4 प्लस i5 प्लस i6। तो i6 आपको क्या करना है, फाइंड करना है, यहाँ पे वैल्यूज लिखें, दूसरी तरफ ले जाके माइनस कर दें, तो i6 जो है वो आपके पास कितना आ गया, 1.7 एम्पेयर। तो वेरी इजी, पहले ये मेन करंट जो है वो देख लें। फिर अगर आपके पास एक स्क्वेयर ब्रांच है तो उसमें देखिए एंटरिंग और लीविंग के क्या रूल्स हैं। देखें, अभी तो आपके पास चार कॉर्नर्स दिए हुए ना, तीन कॉर्नर से करंट एंटर हो रहा है, 15, 3 और 5। तो स्टूडेंट्स, जितना करंट इस पूरे जो है वो स्क्वायर में एंटर हो रहा है उतना ही लीव करेगा। तो यहाँ पर सिंपल रूल, ऑल द एंटरिंग मस्ट बी इक्वल टू ऑल द लीविंग। तो आई करंट जो है वो इन तीनों करंट्स का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, 15 + 3 + 5 आई वुड बी इक्वल टू 23 एम्पेयर्स। सिमिलरली आपके पास एक ब्रांच है जिसमें ओ से ए की तरफ करंट i1 एंटर होता है, ये i1 आगे ओ बी ए बी और ए सी ब्रांच में डिवाइड होता है। पूछा गया है कि व्हाट इज द करंट इन ब्रांच सी डी। तो देखें, मेन करंट i है, आगे i2 और i3 की सूरत में डिवाइड हो रहा है। अब ये i2 करंट भी यहाँ से होके इधर ही आएगा, i3 करंट भी इसी तरफ आएगा, तो सिंपल जो सी और डी ब्रांच में करंट होगा स्टूडेंट्स, ICD, इट विल बी इक्वल टू i2 + i3। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अब आगे मजीद कुछ प्रॉब्लम्स पे चलते हैं स्टूडेंट्स। इसी तरह नेक्स्ट टू प्रॉब्लम्स हैं कि एक नेटवर्क दिया हुआ है, इसमें एक पॉइंट सिलेक्टेड है, उस पर आपसे मेंशन है कि ये करंट i एंटर हो रहा है, बताना है ये कितना करंट है। तो सेम वही रूल, ऑल द एंटरिंग मस्ट बी इक्वल टू ऑल द लीविंग। तो देखें इसमें एंटर कितना हो रहा है, i एंटर हो रहा है 4 और 2, तो i + 2 + 4 एंटरिंग है, दैट मस्ट बी इक्वल टू लीविंग 3 + 5, तो स्टूडेंट्स 6, और ये आ जाएगा 8। i आपको फाइंड करना है, तो 8 - 6 कितना आ जाएगा, 2 एम्पेयर। यानी वेरी इजी टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स।
फिर एक जरा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क क्वेश्चन आ गया, 3 एम्पेयर, 1.5, 0.5, 2.5, 1.2, और पूछा है कि ये आखिरी जो ब्रांच I9 है ये कितना करंट है। अब इसको ज़रा तसल्ली से समझना है और स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले आप करंट्स को नाम दे लें, I1, I2, ये मिल के जब इधर आएंगे तो I3 हो जाएंगे। ये I3 आगे डिवाइड होगा I4 और I5, ये I5 आगे फिर डिवाइड होगा एज I6 एंड I7। हमें हमारा जवाब I7 में से मिलेगा, तो I7 आगे डिवाइड होगा एज I8 एंड I9। तो सबसे पहले इस स्टेप तक पहुंचना है। I3 कितना है? I1 प्लस I2, यानी I1 प्लस I2 3 प्लस 1.5 4.45 एम्पेयर हो गया, तो यहाँ पे करंट है 4.5 एम्पेयर्स। ऑलराइट, अब स्टूडेंट्स ये करंट आगे डिवाइड होगा। अब I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5 कर लें, I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5। इसमें से I4 तो गिवन है, I5 हमें फाइंड करना है। तो I5 फाइंड किया तो I5 आया 4 एम्पेयर्स, ठीक है, यानी यहाँ पर अब करंट जो है वो कितना फ्लो कर रहा है, 4 एम्पेयर्स। ये 4 एम्पेयर आगे डिवाइड हो रहा है एज 2.5 एंड I7, तो इट मीन्स I5 इज इक्वल टू I6 प्लस I7। अब I5 है 4, I6 है 2.5, तो I7 कितना बना, I5 में से I6 को माइनस कर दें, 1.5 एम्पेयर। यानी यहाँ पर करंट की क्या वैल्यू आ रही है, 1.5 एम्पेयर्स। एंड देन यही I7 डिवाइड हो रहा है एज I8 एंड I9, तो I7 इज इक्वल टू I8 प्लस I9, I9 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1.2, आंसर वुड बी 0.3 एम्पेयर्स। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप सॉल्व कर सकते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स। स्टूडेंट्स सिमिलरली दो और क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, कि आपको यहाँ पे एक नेटवर्क दिया हुआ, इसमें से ये फाइनल करंट आई आपने फाइंड करना है। तो सेम वही मेथडोलॉजीज के आपने सब ब्रांचेस के करंट्स को पहले मेंशन कर लेना है, I1, I2, I3, यहाँ पे कोई करंट मेंशन नहीं भी हो तो I4 कर लें, I5, यहाँ पे अगर करंट ना भी मेंशन हो तो उसको I6 कहें क्योंकि यही आगे जाके डिवाइड होगा। तो वन थिंग के I4 जो है वो इन तीनों को ऐड करने से आ रहा है, अप्लाई किया तो I4 आता है 4 एम्पेयर, यानी यहाँ पर 4 एम्पेयर करंट है। ये 4 आगे डिवाइड हो रहा है एज I5 एंड I6, तो I6 की वैल्यू कैसे आएगी, 4 में से 1 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कितना करंट आ गया, 3 एम्पेयर। यही 3 आगे जाके डिवाइड हो रहा है एज 1.3, तो रिमेनिंग I8 हो जाएगा, वो कितना आएगा, 1.7। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए ईजी हो जाएगा इसको ऑरली सॉल्व करना। और ये फिर इसी तरह एक स्क्वेयर नेटवर्क है, ऑल द एंट्रिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू ऑल द लीविंग करंट, एंटर हो रहा है 10, 3 और 4, लीव इन तीनों का सम होना चाहिए, तो 10, 3, 4 लीविंग करंट वुड बी इक्वल टू 17 एम्पेयर। तो ये हो गए प्रॉब्लम स्टूडेंट्स किरचॉफ फर्स्ट लॉ से रिलेटेड। अब हम आते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ, जिसे किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी कहते हैं, कि सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज सर्किट मस्ट बी जीरो, इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब स्टूडेंट्स इसको समझने के लिए मैं आपको जो टिप्स बताऊंगा आपने वो टिप्स जहन में रखनी है, मेमोराइज करनी, और उनकी बेस पर जब आप प्रॉब्लम्स को टैकल करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करना। इसका मेन थीम ये है कि जो एनर्जी सर्किट को प्रोवाइड की जाती है या जो गेन ऑफ एनर्जी है वो इक्वल होना चाहिए लॉस ऑफ एनर्जी के, सो दैट इट बिकम्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस जो यूज होनी है और कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स जो यूज होनी है, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और सिंपली वोल्टेज, E से डिनोट करते हैं, ये वर्क पर यूनिट चार्ज है। नाउ लिसन, वर्क को क्या लिखा जा सकता है, एनर्जी, सो EMF इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट चार्ज। सो एनर्जी की इक्वेशन क्या बनेगी, आप डेल क्यू को मल्टीप्लाई कर दें E से, तो एनर्जी बिकम्स E डेल क्यू। अब ये इक्वेशन आपने वहां यूज करनी है जहां पे कोई बैटरी लगी हो, ठीक। इस इक्वेशन के साथ प्लस माइनस का साइन कैसे यूज होना है वो जरा गौर से समझना। लेट्स से कि आपके पास बैटरी का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, मैं यहां पर एक लेवलिंग भी क्रिएट कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। लेट्स से करंट
एंटर हो रहा है पॉजिटिव साइड में और लीव कर रहा है नेगेटिव साइड से। तो आपको पता है कि पॉजिटिव पोटेंशियल हाई होता है और नेगेटिव पोटेंशियल लो होता है। इट मींस पहले आप किस पोटेंशियल पर थे, हाई पर, और अब आप किस पे आ गए, लो पर। तो अगेन लिसन, अगर करंट हाई में एंटर होके लो से लीव कर रहा है तो इट मींस कि आप हाई से लो की तरफ आ रहे हैं। अब ये एरो देख के आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि एनर्जी के साथ साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव का। अगर आप एंटर हो रहे हैं नेगेटिव साइड में और लीव कर रहे हैं पॉजिटिव साइड से, तो आप लो पोटेंशियल से किसकी तरफ जा रहे हैं, हाई की तरफ। ये रहा लो पोटेंशियल, ये रहा हाई पोटेंशियल, आप लो से जा रहे हैं हाई की तरफ, तो एनर्जी का साइन क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। ये दो कन्वेंशन ध्यान में रखनी। तो EMF से E∆Q, ये हम बैटरी के क्रॉस यूज करेंगे। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस बैटरी, वो तो EMF हो गया, यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर कर दें, ठीक है, ये रेजिस्टर आपने ध्यान में रखना। वोल्टेज V, वो भी एनर्जी पर यूनिट चार्ज है, एनर्जी को लिखा जा सकता है V∆Q, जैसे ये लिखा है E∆Q। रिमेंबर दैट EMF और वोल्टेज के यूनिट सेम होते हैं, लेकिन ये जो V है ये पोटेंशियल ड्रॉप हम ले रहे हैं अक्रॉस रेजिस्टर। E है अक्रॉस बैटरी और V है अक्रॉस रेजिस्टर, V इज इक्वल टू IR यहाँ पे लिख दिया। तो ये दो बातें आगे लेकर अब चलनी है हमने कि अक्रॉस बैटरी हम एनर्जी की इक्वेशन लिखेंगे E∆Q, अक्रॉस रेजिस्टर हम एनर्जी की इक्वेशन लिखेंगे IR∆Q। सिर्फ तीन बातें अगले पेज पर आपने लेकर जानी है इस पेज से। बैटरी में करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाए तो साइन नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आए तो साइन पॉजिटिव। रेजिस्टर पे आपने बिना किसी और चीज को सोचे एक बात याद रखनी है कि जब भी करंट रेजिस्टर से पास करे आपने उसका जो साइन है वो नेगेटिव ही कंसीडर करना है, माइनस IR∆Q। यानी ये अज्यूम करना है कि रेजिस्टर से जब भी करंट पास करेगा तो इट विल लूज इट्स एनर्जी। अब हम एक लूप सॉल्व करते हैं जो कि बुक में भी गिवन है कि हमारे पास एक बैटरी लगी है E1, एक बैटरी लगी है E2, एक रेजिस्टर है R1 और एक रेजिस्टर है R2। क्या स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं इसको सॉल्व करने के लिए? नंबर 1, आपने सपोज कर लेना है कि कोई एक बैटरी जो है वो बड़ी है, लेट से E1 इज ग्रेटर देन E2, सो मेन करंट सप्लाइंग बैटरी विल बी E1। फिर इसी तरह अगली चीज सपोज कर लें कि करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से किस तरफ है, नेगेटिव की तरफ, तो आपने सिंपली पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक लूप करंट ड्रॉ कर देना, इस करंट का नाम रख दें I। अब देखें चार्ज ने इस पॉइंट से चलना शुरू करना है, तो लेट से ये चार्ज जो अपना सफर शुरू करेगा, अब चूंकि ये सफर हाई टर्मिनल से स्टार्ट कर रहा है, हाई टर्मिनल से इस चार्ज के पास जो एनर्जी है वो हम लिखेंगे E1∆Q, यानी ये बैटरी इस चार्ज को इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। अब ये चार्ज और करंट जब R1 में से गुजरेगा तो मैंने कहा कि रेजिस्टर के साथ आपने सिर्फ नेगेटिव साइन यूज करना है, माइनस IR1, ये हो गया V, 7 मल्टीप्लाई हो गया ∆Q, ठीक है। फिर ये करंट इस बैटरी में एंटर होगा और लीव करेगा, एंटर किस में हो रहा है, हाई में, लीव कहां से कर रहा है, लो से, हाई से लो की तरफ आ रहा है तो नेगेटिव साइन। और बैटरी के लिए मैंने इक्वेशन की शेप दी थी आपको E∆Q, तो यहां पे 2 बैटरी है तो E2∆Q आ जाएगा। फिर रेजिस्टर आ गया, पहली बात तो बिना सोचे रेजिस्टर के लिए माइनस साइन लगा दें। अब R2 है, करंट I है, IR2 7∆Q, इट मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी चार्ज फिर सर्कुलेट करके नेगेटिव टर्मिनल पर पहुंच जाएगा। अब बैटरी का काम क्या होता है, बैटरी का काम है इस चार्ज को नेगेटिव से फिर कहां पर पुश करे, पॉजिटिव की तरफ, और यही चीज कहलाती है EMF, कि द बैटरी विल डू अ वर्क ऑन दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड दैट एनर्जी प्रोवाइडेड टू द चार्ज इज कॉल्ड EMF। अब इसमें से डियर स्टूडेंट्स ∆Q कॉमन होगा,
और दूसरी तरफ जाके वो भी जीरो हो जाएगा। तो अब अगर हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो ई वन माइनस आई आर वन माइनस ई टू माइनस आई आर टू मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो ये सब की सब इक्वेशन पोटेंशियल की हैं। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज सर्किट इन अ क्लोज लूप दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, यानी एनर्जी प्रोवाइडेड टू द सर्किट मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द सर्किट। अब ये तो हो गया एक सिंगल लूप का क्वेश्चन। अगर आपके पास एक से ज्यादा लूप्स आ जाए, जैसे ये टू लूप्स हैं, ये मैंने आप बुक का सेकंड 13 चैप्टर के सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल की डायग्राम बनाई है कि आपके पास दो लूप्स हैं, तो सबसे पहले लूप्स को नाम देने हैं। ये जैसे मैंने यहाँ पे लूप वन और लूप टू कंसीडर कर लिया है, आप इसे लूप वन और इसे लूप टू भी कंसीडर कर सकते हैं। तो लेट्स हम इसी कंसीडरेशन से चलते हैं, इसको निगलेक्ट कर देते हैं। सेम उसी तरह सबसे पहले आप ये सपोज कर लें कि कोई एक बैटरी बड़ी है और उसकी वजह से करंट की डायरेक्शन सेट कर लें। इससे नहीं घबराना कि आप करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज करते हैं या एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, कोई भी कर लें, सिर्फ एंड पे साइंस का फर्क पड़ सकता है, अदरवाइज जो मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट है उसका आंसर सेम रहेगा। लेट्स से मैं सपोज कर लेता हूं कि जी ई वन बैटरी ग्रेटर है ई टू से, तो करंट एंटी क्लॉकवाइज यानी पॉजिटिव से नेगेटिव। अच्छा, अब इसमें नई बात क्या है, क्योंकि दो लूप्स हैं तो करंट भी दो हो जाएंगे। यहां पे करंट कहलाएगा आई वन और इस करंट को हम नाम देंगे आई टू का। रिमेंबर जो डायरेक्शन करंट की आपने लूप वन में रखनी है, सेम वही डायरेक्शन आपने लूप टू में रखनी है। अब चूंकि दो लूप्स हैं तो लूप इक्वेशंस भी दो बनेंगी, फॉर लूप वन और इसी तरह फॉर लूप टू। एक चीज यहां से मैं रिवाइज करा दूं, देखें कंपोनेंट्स कितने थे, वन टू थ्री फोर, इक्वेशंस भी कितनी बन रही है, वन टू थ्री फोर। अब जिस लूप में जितने कंपोनेंट्स हों उतनी यहां पर टर्म्स आनी चाहिए। जैसे हम यहां से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है, स्टार्ट हम ले रहे हैं हाई टर्मिनल से, तो यहां पर आएगा E1, यानी प्लस E1 आएगा, फिर सर्कुलेट करता हुआ करंट R2 में से गुजरेगा। अब यहां पे जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आगे आने वाले टॉपिक्स में भी काम आएगा। R2 में एक करंट नहीं है, दो करंट्स हैं, I1 जा रहा है डाउनवर्ड और I2 इसमें जा रहा है अपवर्ड। अगर हम इसको पॉइंट कंसीडर कर लें तो एक करंट इसमें एंटर हो रहा है और एक करंट इसको लीव कर रहा है। सो आप जिस लूप को सॉल्व कर रहे हैं उस लूप के करंट को आपने पॉजिटिव रखना है और उसके अगेंस्ट जो करंट है उसको आपने नेगेटिव रखना है। अब हम कैसे लिखेंगे कि करंट R2 में से पास कर रहा है, तो पहले तो मैं नेगेटिव साइन इसलिए लिखूंगा कि ये रेजिस्टर है, फिर मैं लिखूंगा I1 माइनस I2, एंट्रिंग करंट I1, लिविंग करंट I2 और साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा R2। तो ये अगर इसको एज अ होल देखें तो आई आर इक्वेशन ही बन रही है। सो लूप में उस रेजिस्टर का ध्यान रखिएगा जो दोनों लूप्स के दरमियान में है, और ये भी याद रखना कि उसमें से दोनों करंट्स पास कर रहे हैं I1 भी और I2 भी। दो कंपोनेंट्स हो गए, एक दो, अब तीसरे में से पास करते हैं, तो इसमें से जो करंट पास करेगा चूंकि रेजिस्टर है तो नेगेटिव साइन, करंट I1 है, रेजिस्टर R1 है, कंपोनेंट्स भी तीन है, टर्म्स भी तीन बन गई, आगे बस आपने इक्वल्स टू क्या लिख देना, जीरो लिख देना। अच्छा, अब आ जाए लूप टू पर, दो कंपोनेंट्स हैं तो दो इक्वेशन। देखें करंट को थोड़ा सा घुमा के देख लेना, करंट कर क्या रहा है, करंट को फ्लो करते हुए देखें तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यानी लो से किस तरफ आ रहा है, हाई की तरफ, तो इसका साइन क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव E2। फिर रेजिस्टर आ गया और रेजिस्टर वो है जो दोनों लूप्स के दरमियान है। अब आप I2 को सॉल्व कर रहे हैं तो I2 एंटरिंग है और I1 लिविंग है। नंबर वन माइनस साइन क्यों, क्योंकि ये रेजिस्टर है। फिर किरचॉफ फर्स्ट लॉ से आई टू माइनस आई वन आर टू, दो कंपोनेंट्स बनेंगे क्योंकि दो ही एलिमेंट्स हैं,
तो इट मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। तो स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को आपने गौर से सुनना है, बार बार मेरी बात को सुन के एब्जॉर्ब करना है कि सेंट्रल रजिस्टर को आपने कैसे सॉल्व करना है। बाकी मैं कोई डिफरेंट चीज़ नहीं कर रहा। हाई से स्टार्ट लेता हूँ तो पॉजिटिव, रजिस्टर में से पास करता हूँ तो नेगेटिव, लेकिन जो रजिस्टर दोनों लूप्स में है उसमें दोनों करंट्स का डिफरेंस जो है वो इन्वॉल्व होगा। सेम इसी तरह आपकी बुक में एक एग्जाम्पल है, लास्ट न्यूमेरिकल है, सेम उस न्यूमेरिकल की भी मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाई है। मैं आपको लूप इक्वेशन बना के दूंगा, आपने इसी तरह वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है और इसको फर्दर सॉल्व कर लेना है। तो लेट से मैं इसमें करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज सपोज कर लेता हूँ, ये I1 और ये करंट की डायरेक्शन सेम है I2 कह लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे लूप 1 और फिर लिखेंगे लूप 2। तो लूप 1 और लूप 2 को सॉल्व करने के लिए यहाँ से स्टार्ट ले लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज सफ़र करना है, कंपोनेंट्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 टर्म्स बननी चाहिए। तो E1 चूँकि हम पॉजिटिव से स्टार्ट ले रहे हैं, E1 पॉजिटिव हो जाएगा। रजिस्टर, यही आगे जितने साइन आएंगे वो माइनस के ही आएंगे, माइनस I1R1, डन। R2 में से माइनस I1R2, ये भी डन। अब R3 दोनों लूप्स का हिस्सा है तो माइनस I1 माइनस I2 R3, ये भी डन। फिर R4 है, माइनस I1R4, दैट ऑल मस्ट बी इक्वल टू जीरो। टर्म्स 1, 2, 3, 4 और 5। अब आ जाए लूप 2 पर, एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव से स्टार्ट होगा, माइनस E2, R6 में से गुजरना है, माइनस I2R6, फिर माइनस R3 है दोनों लूप्स में, तो क्या लिखेंगे, I2 माइनस I1 इंटू R3, ये भी डन। फिफ्थ रजिस्टर में से आ रहे हैं, माइनस I2R5, दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो सेकेंड लूप में कंपोनेंट्स 1, 2, 3, 4 है, टर्म्स भी 1, 2, 3, 4, एंड ऑल पोटेंशियल चेंजेस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ तक आपने ये वैल्यूज जो है इनकी पुट करनी है, I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू, ये दो वैल्यूज निकालनी। फिर इन रजिस्टर्स में देखें, जो सिंगल है ना, जो किसी और ब्रांच का हिस्सा नहीं है, इनमें से करंट I1 रहेगा, इन दोनों में करंट I2 रहेगा, लेकिन इसमें जो करंट है वो डिफरेंस ऑफ I1 एंड I2 के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स, किरचॉफ सेकंड लॉ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस MCQs आपको आ सकते हैं, एक तो मैंने आपको पहले भी बताया कि इट इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और अगर कोई सवाल मुश्किल की तर्ज पे आए तो मतलब इसमें लूप इक्वेशन आ सकती है। बेसिक इसका रूल है, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप्स इन अ क्लोज लूप मस्ट बी इक्वल टू जीरो। एक लूप में आपको सॉल्व करना टॉपिक में सिखा चुका हूँ, ये आपकी एग्जाम्पल है। तो लूप इक्वेशन बनानी हो तो सबसे पहले दोनों करंट्स में, दोनों लूप्स में जो करंट है उसकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। आप चाहे इसे क्लॉकवाइज कर लें, चाहे एंटी क्लॉकवाइज कर लें। लेट से हम इसे क्लॉकवाइज यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो लूप इक्वेशन बनाना ये आ सकता है MCQ। तो देखें, आप कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट चूज कर लें। अब आप E1 से स्टार्ट लेते हैं और स्टार्ट आप इसके नेगेटिव टर्मिनल से ले रहे हैं, लो पोटेंशियल से, तो आप लिखेंगे माइनस E1। रजिस्टर से एक सिंपल बात याद रखनी है, रजिस्टर से साइन आपने माइनस ही यूज़ करना है, तो माइनस I1R1, ये आपके पास दूसरा कंपोनेंट हो गया। उसके बाद जब आप R2 से गुजर रहे हैं तो R2 में दो करंट्स हैं, I1 अपवर्ड है, I2 डाउनवर्ड है। आप जिस करंट को सॉल्व कर रहे हैं उसको आपने पहले मेंशन करना है, तो चूंकि रजिस्टर है तो माइनस आ जाएगा, I1 में से I2 होगा माइनस और यहाँ पे R2। देन आप इस पॉइंट पर आएंगे तो आप बैटरी के नेगेटिव से किस तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ, यानी लो से हाई की तरफ, तो प्लस E2 एंड फाइनली इक्वल्स टू जीरो। तो देखें, 1, 2, 3, 4 कंपोनेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4 ही यहाँ पर टर्म्स बनेंगी। सिमिलरली लूप 2 पे आ जाएं, लूप 2 में भी यहाँ से स्टार्ट ले लें, तो आप नेगेटिव टर्मिनल से स्टार्ट ले रहे हैं तो माइनस E2, फिर R2 में से गुजरेंगे तो माइनस। अब यहाँ पे आप मेन करंट I2 को सॉल्व कर रहे हैं तो I2 को पहले
आई वन को, बाद में आर टू, फिर माइनस आई टू आर थ्री, और ई थ्री में आप नेगेटिव से किस तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ, यानी लो पोटेंशियल से हाई की तरफ, तो प्लस ई थ्री मस्ट बी इक्वल टू जीरो. सो दैट्स हाउ यू कैन मेक लूप इक्वेशंस. फिर इसके एक सिंगल लाइन क्वेश्चंस जो हैं वो होते हैं कि पॉइंट पी दिया, 2 एम्पेयर करंट है, 2 ओम रेजिस्टर है, 3 वोल्ट बैटरी है, 1 ओम रेजिस्टर है, और फिर पॉइंट क्यू है. पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट पी क्यू. अब ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स आपने करना क्या है, वेरी सिंपल तरीक़ेकार बता रहा हूँ कि आपने लिख लेना वी पी क्यू इज इक्वल टू, करंट को रेजिस्टर में से गुजारना है तो पोटेंशियल डिफरेंस आई आर होता है, यानी जब ये करंट इस 2 ओम में से गुजरेगा तो ये आएगा आई आर, यानी 2 इंटू 2 माइनस 4 वोल्ट. माइनस क्यों? क्योंकि रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होना है, माइनस होना है. उसके बाद अब बैटरी से करंट तो गुजरेगा, लेकिन आपने बैटरी के साथ इस 2 को मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि बैटरी तो अपना वोल्टेज खुद रखता है, एक बात. दूसरी बात, आप हाई से लो की तरफ जा रहे हैं तो आप लो वोल्टेज की तरफ जा रहे हैं, तो माइनस 3 वोल्ट आएगा. अगर ये बैटरी उल्टी लगी होती, यानी यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव होता, तो यहाँ पे प्लस 3 वोल्ट आ जाना था. फिर यही 2 एम्पेयर जब 1 ओम में से गुजरेगा तो आई आर, यानी माइनस 2 वोल्ट. अब देखें माइनस 4, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 9 वोल्ट, ये है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पी क्यू. सिमिलरली इसी तरह के एक और नेटवर्क है कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी इज इक्वल टू आई आर माइनस 3 वोल्ट. अब बैटरी में नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना, यानी हाई की तरफ जाना, तो अब आप इसको प्लस 5 लिखेंगे. फिर 2 ओम और 1 एम्पेयर करंट, माइनस 2 वोल्ट, ठीक है, आई आर का प्रोडक्ट हो जाएगा. और फिर आप बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी हाई टू लो जा रहे हैं, तो माइनस 2 वोल्ट आ जाएगा. अब इसको सॉल्व कर लें, माइनस 4, माइनस 7, तो 5, माइनस 7, माइनस 2 वोल्ट विल बी द आंसर. तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास किरचॉफ फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ से रिलेटेड एमसीक्यूज़. इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जल्द हाजिर होंगे. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.